rahim Assalamualaikum. Alaikum English grade 4. I hope you all are doing well. Today we are going to study page number 70. Unit number 3. Sindbad the Sailor. Once upon a time in the city of Baghdad, there lived a sailor called Sindbad. He had sailed across the world and had many exciting adventures one day there was a terrible storm in and his ship was destroyed near an island sinbad swam to the shore and was so tired that he fell fast asleep he woke up to hear the flapping of wings and saw the shadow of a huge bird above him Sinbad hid himself behind a rock. The bird landed near him. Next to it was a huge white egg. Sinbad took off his turban and tied himself to the bird's enormous leg. The bird flew off with Sinbad and and landed in a valley full of diamonds sparkling in the sunlight. He Gathered up as many diamonds as he could carry and tied himself a dead animal lying on the ground. After some time, a big eagle flew down to pick up the meat and carried Sinbad out of the valley. Sinbad sold the diamonds and became a rich man. Now, let's do its translation. Once upon a time in the city of Baghdad, there lived a sailor called Sinbad. एक दफ़ा का जिक्र है कि शहर बगदाद में एक मल्लाह रहता था जिसे सिंधाथ कहते थे He had sailed across the world and had many exciting adventures. वो सारी दुनिया में बहरी सफ़र करता था और इसने बहुत सारी पुरजोश या ख़तरनाक भी कह सकते हैं और इसने बहुत सारी पुरजोश या ख़रनाक मुहिम की मल्ला कहते हैं कश्ती चलाने वाले को ओके नैक्सट वन डे देर वॉज टेरिबल स्टॉम एंड शिप वॉज़ डिस्ट्रॉयड नियर एन आइलैंड एक दफ़ा एक ख़तरनाक तूफान आया और उसका जहाज़ एक जजीरे के करीब तबाह हो गया सिंध बा स्वैम टू द शोर एंड वो वॉज सो टाइड दैट ही फैल फास्ट असली सिंध बा तैरता हुआ साहिल पर पहुँचा और वो इस कदर थक गया कि गहरी नींद सो गया नेक्स्ट ही वॉक अप टू ही द फ्लैपिंग ऑफ विंग्स वो परों के फटफड़ाने की आवाज़ सुनकर जागा

द बर्ड लैंडड नियर हिम परिंदा उसके नज़दीक उतरा नेक्स्ट टू इट वॉज अ हीूज वाइट एग उसके आगे एक बहुत बड़ा सफ़ेद अंडा था सिंध बाद टुक ऑफ हिस्टर्बन एंड टायर्ड हिमसेल्फ टू द बर्ड्स इनॉर्मस लैक सिंध बा ने अपनी पगड़ी उतारी और ख़ुद को परिंदे की बहुत बड़ी टांग से बांध लिया द बर्ड फ्लू ऑफ वुसिन बाद एंड लैंडेड इन अ वैली फुल ऑफ डायमंड स्पार्कलिंग इन द सनलाइट परिंदा सिंहबाद को लेकर उड़ा और हीरो से भरी हुई वादी में उतरा जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे ही गैदर्ज अप एज मैनी डायमंड एज ही कुछ कैरी एंड टायर्ड हिमसेल्फ to a dead animal lying on the ground. उसने उतने हीरे इकट्ठे किए जितने वो उठा सकता था और ज़मीन पर पड़े हुए मुर्दा जानवर के साथ खुद को बांध लिया आफ्टर सम टाइम a बिग ईगल flew डाउन टू पिक अप द मीट एंड carried Sinbad out आउट ऑफ द वैली कुछ देर बाद एक बड़ा उकाब उड़ता हुआ गोश्त को उठाने के लिए नीचे आया और सिंध बाद को उठाकर वादी से बाहर ले गया कुछ देर बाद एक बड़ा उकाब उठ एक बड़ा उकाब उड़ता हुआ गोश्त को उठाने के लिए नीचे आया और सिंध बाद उठाकर वादी से बाहर ले गया सिंध बाद डायमंड्स एंड बिकेम अ रिच मैन सिंध बाद ने हीरे बेचे और अमीर हो गया आपने इस पेज नंबर सेवेंटीन की रीडिंग करनी है और इसकी ट्रांसलेशन अपनी नीट कॉपीज़ पर राइट करनी है